हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम प्लाज़ो का मोरी डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच की पट्टी ली है। तो आप चाहे तो इसे प्रेस भी करके बिठा सकते हैं या फिर इसी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में एक बड़ी फोल्ड करेंगे हम यहाँ से, और इस तरीके से ऐसे पट्टियाँ हम बहुत सारे बना लेंगे। ये पट्टियों से हम बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे इसका। तो पहले हम ये रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कंगूरा डिज़ाइन का, तो ये वाइट कपड़ा रहने से वाइट कलर तो कंगूरा हमारा नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे कंगूरा डिज़ाइन बनाए हैं, तो आज इसमें भी हम बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने कपड़े पे इसे चिपका लिया है फ्यूज़ पेपर को। अब यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा इस तरीके इधर से मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूँगी और यहाँ से मैं इसे स्टिच कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल जहाँ से हमारा जो डिज़ाइन है उसी तरीके से हम बाजू बाजू से सिलाई लगाएंगे, स्टिच पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे, जो भी हमारा फालतू कपड़ा है उसे कॉर्नर कॉर्नर से हम कट कर लेंगे और कट्स लगा लेंगे। इसके जो कंगूरे के जो कट्स हैं, कोने हैं, बराबर वैसे ही हम कट्स लगा लेंगे। और इसके बाद में हम इसे पलट कर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ मैं इसे पलट लूँगी इस तरीके से। तो कंगूरा डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, आप चाहे तो जैसे कि हमारी कुर्ती के दामन पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, सिंपल इस तरीके से रखा है, बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है बिल्कुल बीच में आना है इसीलिए मैंने ड्रॉ की है। और इस तरीके से हम पट्टियों को जैसा रखते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे। और देखिए यहाँ से मैं ये पट्टियों को ऐसी इस तरीके से फोल्ड करते जाऊँगी और स्टिच लगाते जाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से भी हमें फ़ोल्ड करना है और इसके अपोजिट साइड से भी। ये देखिए अब हम दूसरी साइड स्टिच कर रहे हैं, इसे भी ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए फोल्डिंग हमारी हो चुकी है। अब जो नीचे जो हमने कंगूरा रेडी किया था, तो ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके। तो इसे अंदर डालेंगे इस पट्टी के पेपर को इस तरीके से, और ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ से दोनों साइड हमारी जो है स्टिच आ जाएंगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए स्टिच लगाने के बाद में ऐसा लगेगा। अब ये जो हमारी प्लाज़ो की मोरी है उसको लेंगे हम, ट्राउज़र इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से भी हम एक सिलाई लगा डालेंगे, और आप चाहे तो यहाँ पर लेस वग़ैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। सिंपल सा मैंने ऐसे ही डिज़ाइन दिया है। यही हमारा जो डिज़ाइन है वही हमारा लेस के टाइप में जाल के जैसा दिखेगा। तो यहाँ से हम पेपर निकाल देंगे, इसे निकाल के अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे इसे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप चाहे तो कुर्ती पे के दामन पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू।